बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद हूर। किचन विद हूर में आप सबका बेहद खुश आमदीद है। आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ जो वीडियो को पसंद करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, ठीक है। जो नए आने वाले हैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मैं किचन विद हूर में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक झटपट बनने वाली आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ, ठीक है, जो विदाउट शुगर होगी, ठीक है। अगर आपका दिल चाहे तो आप इसमें शुगर, आप इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मीठा पसंद करना चाहते हैं तो करते हैं, तो थोड़ी शुगर ऐड कर सकते हैं, इसमें हनी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी च्वाइस है, ठीक है। इसको बनाना कैसे, ये देखिए मेरे पास ये टू बनाना थे, ठीक है, और ये थोड़ा सा मिल्क है, ठीक है। तो हम थोड़ा सी ये जो मसाला पीसने वाली मिक्सी होती है ना, अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर ले लें, ठीक है। इसमें हम ये दोनों जो टू बनाना है ये इसमें ऐड करेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे, ये मेरे पास आलमंड मिल्क है, ठीक है, ये थोड़ा सा ये ऐड करेंगे। अगर आपके पास चॉकलेट है तो आप चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ये देखिए ये बिस्किट मिलते हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, ठीक है, इसमें और रेडी चॉकलेट मौजूद है, ठीक है। मैं इसमें 1 and 2 and 3 and 4 बिस्किट ऐड करूँगी, इससे इनका फ्लेवर बहुत अच्छा। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी जो आइसक्रीम है वो हो गई तैयार, ठीक है। अब इसको कंटेनर में हम डालते हैं, ठीक है। ये जब बिल्कुल सेट हो जाएगी फिर मैं आपको बताऊँगी, देखिए ये कितनी झटपट और बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार लजीज चॉकलेट वाली आइसक्रीम जो है ना हमारी हो गई तैयार, ठीक है। कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, और गर्मी ही मौजूद चीज़ें, ये फ्रूट्स वगैरह तो होते ही हैं घर में मौजूद, ठीक है, ये बनाना वगैरह होता है, सब कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। अब हम इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं, ये अब फिर मैं आपको कहती जाऊँ, ये आपकी चॉइस है। अगर आप कुछ अच्छा लगता है कि इसमें थोड़ा सा मीठा ऐड कर लें, कि ये कंडेंस मिल्क की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई चीज़, कोई एग की ज़रूरत नहीं है, कोई क्रीम की ज़रूरत नहीं है, ये जब ये जमेगी इतनी ज़बरदस्त और बेहतरीन बनेगी, ठीक है। क्योंकि अब हमें इसे सेट करने के लिए 2-3 घंटे रखने पड़ेगा, तो इतना तो अब टाइम नहीं है कि मैं अब आपको ये 2-3 घंटे मतलब के रखूँ और फिर आपको बताऊँ। अगर जब आप बनाएंगे तो आपने इसको बिल्कुल एयरटाइट जार में रख लेना, 2-3 घंटे फ्रीज़र में रखिएगा, और बेहतरीन इसका टेक्सचर होगा, और बिल्कुल स्मूथ और बेहतरीन एक आइसक्रीम हमारे पास, फ्रूट वाली आइसक्रीम हमारे पास हो जाएगी तैयार। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो अच्छी बात है, एक दूसरे तक पहुँचाना और बजट में रह के चीज़ें बताना, ये भी हमारे चैनल की कोशिश होती है। मिलते हैं अच्छी और कारामद वीडियो में। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।